नमस्कार, कैसे हो आप सब। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और बहुत ही सुप्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए। यह देवघर में ही पड़ता है, जो झारखंड में पड़ता है, और यह तकरीबन देवघर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जो आप देख रहे हैं मेरे बैक कैमरा से। यह यही वो मंदिर है, वही यही वो स्थान है जो भी यहाँ पर आते हैं, और बहुत ही सुकून भरी महसूस करते हैं। और यही रानी ने बनवाया था, इस महल का नाम है नौलखा। दोस्तों, ये रानी जी बनवाई हैं नौलखा मंदिर, जो इनका नाम है रानी शीला घोष। अपने टाइम में आप देख सकते हैं, और यह कलकत्ता से बिलोंग करती हैं। और ऊपर में लड्डू गोपाल जी का मंदिर है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ दर्शन कराता हूँ और दिखाता भी हूँ। यही नौलखा मंदिर हुआ, और नौलखा मंदिर के हम ग्राउंड में हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, भक्त लोग दर्शन करने के लिए। और मेरे साथ तो कुछ है ना, टांक बम भी मिल गए थे, जो कि बिहार से हैं। क्या नाम है बाबू आप सभी? मेरा नाम क्रिस है। अच्छा, अंकित है। और आपका नाम? ऋतिक। और कहाँ से हैं आप लोग? छपरा सरन से। यहाँ पर हम लोग नौलखा मंदिर देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, और दर्शन कर लिया देवघर बाबा? नहीं, अभी तो नहीं किया। बैद्यनाथ धाम अभी करना बाकी है। अच्छा, कल दर्शन करेंगे। अच्छा, तो मेरा चैनल का नाम है अकेला ब्लॉगर। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत सारे यहाँ देख रहे हैं, भीड़ है दर्शन करने के लिए, और सभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम चलिए मेरे साथ ऑडियंस, मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ बारी बारी से, एक एक चीज़ आपको इसके बारे में बताता हूँ। यही रानी जी हैं, इन्हीं के द्वारा नौलखा मंदिर का निर्माण कराया गया था गाइज। और चलिए ऊपर चल करके आपको और भी दिखाता हूँ। और यह सीढ़ी है चढ़ने का ऊपर नौलखा। दोनों साइड से सीढ़ी है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह से आप चढ़ सकते हैं इस मंदिर में। यही नौलखा का गुंबज में मंदिर है। चलिए, मैं आपको नीचे से पूरा एक एक चीज़ बताता हूँ। और नौलखा मंदिर के ऊपर चढ़ने में चार साइड है, वो चारों साइड से आप चढ़ सकते हैं। एक है उत्तर साइड से, इसी तरह का चढ़ने वाला सीढ़ी बनाया गया है, दो तरह से आप देख सकते हैं। और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से भी आप चढ़ सकते हैं इस नौलखा मंदिर पर। और इटालियन पत्थर संगमरमर से भी इसको तैयार किया कराया गया था उस जमाने में, जिस जमाने में बहुत कम इस पत्थर का यूज करते थे। तो चलिए, और बहुत ही बेहतरीन कारीगरी किया गया है, देखिए सजाया गया है और कितना अच्छा कारीगरी किया गया है। लगता है कि पूरा अभी न्यू बनाया गया है, लेकिन यह तकरीबन 100 वर्ष पहले इस चीज को बनाया गया था, जो अभी भी एकदम नया जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों, चलिए मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, नौलखा मंदिर का दर्शन कराता हूँ, बने रहे हमारे ब्लॉग में। यही है नौलखा जो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया। देखिए, यहाँ से भी
इस साइड से भी सीढ़ी है चढ़ने के लिए नौलखा के ऊपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप चढ़ सकते हैं ऊपर में। और अभी फिलहाल इसको बंद किया गया है, जब ज़्यादा लोग भीड़ होती है तब इसको खोला जाता है। यही नौलखा मंदिर का गुंबज हुआ, और नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यही सामने रास्ता हुआ नौलखा आने का, और यही सभी मेन रूट से आया जाता है नौलखा के लिए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।